बैठक में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल के साथ कतम मौजूद हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश होंगे। जिस तरह से विपक्षी नेताओं के ऊपर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, उस मुद्दे से जुड़ा प्रस्ताव पेश हो सकता है। उसके अलावा बैठक में अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, क्योंकि राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में चुनाव को लेकर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। जबकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी कोई प्रस्ताव रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य एक मत पर नजर आ रहे हैं, और वो है जातीय जनगणना का मुद्दा, जिसे यूपी के साथ साथ पूरे देश में समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है, और इसीलिए इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उससे जुड़े प्रस्ताव रखे जाएंगे। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वो भी हो रही है कोलकाता में समाजवादी पार्टी की, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो तमाम सदस्य हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। ये दो तस्वीरों के जरिए ये बैठक शुरू हो गई। अखिलेश शिवपाल मौजूद हैं इस बैठक में। समाजवादी पार्टी की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। तमाम मुद्दों पर, खासकर मिशन 2024 की तैयारियों पर चर्चा, और सबसे बड़ी बात है तीसरे मोर्चे को लेकर भी कवायद है। चलिए आपको बता दें, हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मेहता कोलकाता से सीधे लाइव जुड़ गई हैं। पूजा, अभी कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है, और कौन कौन से एजेंडे रहेंगे समाजवादी पार्टी के इस कार्यकारिणी की बैठक में? देखिए, आपको बता दूं, कोलकाता के इस होटल में लगभग 10:30 बजे जो है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष से लेकर वो तमाम सीनियर नेता, हमने देखा शिवपाल यादव, जया बच्चन, वो यहाँ पर पहुंचे, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे थे, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विचार विमर्श होगा और जिसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन जो अहम मुद्दा है वो ये है कि 2024 का एजेंडा इसी बैठक से तय किया जाएगा। कल हमने देखा अखिलेश यादव जब अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने साफ कह दिया कि 2024 के चुनाव से पहले पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों से दूरी बनाए रखेंगे और ममता बनर्जी का साथ देते रहेंगे। साथ ही अपने समर्थकों को वो ये भी कहते रहे कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से बीजेपी को यहां जीतने नहीं दिया है, वैसे ही उनको यूपी में भी परफॉर्म करना चाहिए उनकी पार्टी को, और कुल मिलाकर जो लाइक माइंडेड पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, उन्हें किस तरह एक साथ एकजुट किया जाए और महागठबंधन को जो है सामने रखकर 2024 के चुनाव को वो देखते हैं, इस पर भी उन्होंने बातचीत रखी। लेकिन साफ तौर पे जो है उन्होंने जो सेंट्रल एजेंसीज है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, उस पर भी हमला करते हुए ये कहा कि जो पार्टी के नेता है, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रेजोल्यूशन भी जो है, इससे कोई प्रस्ताव भी रखा जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, और साथ ही वो तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत होगी, चाहे 2024 के चुनाव का एजेंडा की बात हो या फिर जो सेंट्रल एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन और एक्शन की बात हो, वो तमाम चीजें बातचीत होगी। पूजा, जिस तरह आपने भी जिक्र किया जो एजेंडा है इस कार्यकारिणी की बैठक का, तो आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो एजेंसियों के, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात होती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से, कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे को भी धार देने की कोशिश होगी अखिलेश यादव की, यानी तीसरे मोर्चे का जो कुनबा है उसे एकजुट किया जाए और तीसरा मोर्चा धरातल पर आ सके 2024 से पहले।
बिल्कुल, और साथ ही ये जो थर्ड फ्रंट होगा उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों दल खुलकर सामने आए हैं। अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि वो कांग्रेस से दूरी बनाए रखेंगे, और कल जो है तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय, उन्होंने भी ये कह दिया कि कांग्रेस को अपोजिशन पार्टीज के बिग बॉस जो है सोचना बंद कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक चीज तो साफ हो गई है कि चाहे दोनों दल हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, वो तमाम नॉन कांग्रेस दलों को एकजुट करना चाह रहे हैं ताकि 2024 के चुनाव में जो है एक नॉन कांग्रेस एंटी बीजेपी फ्रंट कहे या फिर थर्ड फ्रंट कहे उसे गठन किया जा सके। लेकिन दोनों दलों ने यह साफ कह दिया है कि ये जो गठबंधन होगा और जो जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज हो या फिर अलग अलग राज्यों में जो रीजनल पार्टीज है वो जब एक साथ आएंगे उसमें कोई भी दल जो है कांग्रेस को देखना नहीं चाहता है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट को भी बनाने की कोशिश में लगे हुए अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा अपडेट पहुंचाने के लिए।